नमस्कार दर्शकों, मैं बोल रही हूँ आयुषीगर और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। तो आज हम बात करेंगे, जहां एक तरफ पांच राज्यों में चुनावी दौर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूपी में भाजपा में इस्तीफों की झड़ियां लग चुकी है। आइए इस विषय पर विस्तार में बात करते हैं। यूपी भाजपा में संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को चौथा जबकि अब तक दसवें भाजपा का इस्तीफा आ गया है। औरैया से मिदुना विधायक विनय शाक्य, योगी सरकार में आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी, शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा और लखीमपुर खीरी से विधायक बाला प्रसाद अवस्थी ने आज इस्तीफा दे दिया। धर्म सिंह सैनी स्वामी प्रसाद मौर्य के बेहद करीबी हैं। चारों नेताओं ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बुधवार को ही विनय शाक्य ने भाजपा से जाने का ऐलान किया था। विधायक ने कहा है कि स्वामी प्रसाद जहां कहेंगे हम वहां जाएंगे। मंगलवार से जारी है इस्तीफों का सिलसिला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया था। इसके बाद तिंदवारी विधानसभा से भाजपा के विधायक ब्रजेश प्रजापति, विधायक रोशन लाल वर्मा, भगवती सागर ने इस्तीफा दे दिया। आज मंत्री धर्म सिंह सैनी, शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा और लखीमपुर खीरी से विधायक बाल प्रसाद अवस्थी और औरैया से मिदुना विधायक विनय शाक्य ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। भाजपा में मची भागम भाग के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य का नया ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी बीजेपी को स्वामी रूपी नेवला यूपी से खत्म करके ही दम लेगा। विनय शुक्ला गुरुवार को स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी मां के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। विनय शुक्ला ने कहा है कि बीजेपी में ना तो काम हो रहा है और ना ही सम्मान मिल रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजे गए चिट्ठी में शाक्य ने लिखा है कि प्रदेश सरकार से अपने 5 साल के कार्यकाल में दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं व जनप्रतिनिधियों को कोई तवज्जो नहीं दी गई है और ना उन्हें उचित सम्मान दिया गया। इसकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होना है विधानसभा चुनाव। 403 विधानसभा सीटों वाली यूपी में 10 फरवरी से 7 मार्च तक विधानसभा चुनाव होने हैं। पैच विधानसभा चुनाव होने वाला है, नतीजे 10 मार्च को आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।